इनका टिकट कट गया, उनका टिकट कट गया, सात विधायकों का टिकट कट गया, मंत्री जी का टिकट कट गया, स्वास्थ्य मंत्री जी का टिकट गया कट गया, स्कूल शिक्षा मंत्री जी का टिकट कट गया, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का टिकट कट गया, सबका टिकट कट गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले टिकट इस तरह से कट रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव से पहले अपने आप को वॉकओवर दे चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कल जो है 21 नामों का ऐलान किया, दूसरा लिस्ट उनका सामने आ गया और जैसे दूसरा लिस्ट सामने आया उस दूसरे लिस्ट में सात विधायकों का टिकट कट गया और उन सात विधायकों में दो मंत्री जी हैं और एक मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्रालय संभालते थे, दूसरे मंत्री जी जो है स्कूल शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे। और अफसोस की बात यह है कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोलिया जी का टिकट कट गया, यानी सबका टिकट कट चुका है और भारतीय जनता पार्टी शायद विधानसभा चुनाव से पहले अपने आप को वॉकओवर दे चुकी है। ये बताते हैं कि किस किस का टिकट कटा, कहां कहां से टिकट कटा और किन किन को नया टिकट मिल रहा। और आपको यह भी महत्वपूर्ण बता दे कि शायद हरियाणा के विधानसभा में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा हो कि दो मुसलमानों को टिकट दिया गया और दो मुसलमानों को जो टिकट दिया गया तो शायद भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मॉब लिंचिंग पर खामोश रहती है और दूसरी तरफ दो जगह से मुसलमानों को टिकट दे रही है। पूरी राजनीति क्या है, किस लिए मुसलमानों को टिकट दिया गया, वो तमाम चीजों पर आपसे आपको बताने जा रहे हैं और समझाएंगे कि आखिर किनका टिकट कटा, क्यों टिकट कट गया और किसको टिकट दिया गया है काट के। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी, देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। भारतीय जनता पार्टी ने कल 21 नामों का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव हरियाणा से पहले दो लिस्ट जारी की, पहले में 67, दूसरे में 21 और दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो 88 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने नामों का ऐलान कर दिया, यानी कि विधानसभा चुनाव के लिए अपने तमाम कैंडिडेट उतार दिए। तमाम कैंडिडेट जैसे उतारे उसमें जो है सात बड़े नामों का टिकट कट गया और सात जो बड़े नाम है उसमें दो मंत्री जी शामिल है, एक स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे थे और दूसरी जो है वो स्कूल शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे। और जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर आती है तो जैसे लोग पानी पीकर दम भी नहीं भर रहे थे तो ये खबर और आ गई कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा यूनिट के मोहनलाल बड़ोलिया जो अध्यक्ष है उनका भी टिकट कट गया। उप अध्यक्ष जी ने, मतलब संतोष यादव जी ने, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पूर्व में वो पूर्व डिप्टी स्पीकर थे और साथ ही साथ हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के उप अध्यक्ष थे, उन तमाम लोगों का टिकट कट गया। आप समझिए कि इस मर्तबा 2024 का विधानसभा चुनाव हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है मुश्किल से मुश्किल दौर खड़ी कर रहा है। एक शेर आपने सुना होगा कि ये इश्क नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा विधानसभा आग का दरिया है और उनमें उसको डूब के जाना है। और जितने जो टिकट काटने का सिलसिला चल रहा है तो इतनी मर्तबा टिकट काटने का तस्करा हो रहा है कि लोग जो है अब सियासत से खुद को कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। विनेश फोगाट के खिलाफ जो है संतोष बैरागी को उतारा गया है और विनेश फोगाट के खिलाफ जिस संतोष बैरागी को उतारा गया है वो नए चेहरे हैं। वो पूर्व में 9 सालों तक इंडियन आर्मी में सेवा कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी खुद को महसूस कर चुकी थी कि विनेश फोगाट के खिलाफ उनके पास कोई भी मजबूत विपक्षी कैंडिडेट ना होने के कारण संतोष बैरागी को उतारा। हालांकि जो जुलाना विधानसभा का सीट है वो 2019 में जो है जेजेपी ने जीता था और उसके पोस्ट इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी का दुष्यंत चौटाला के पार्टी के साथ जो है पोस्ट पोल अलायंस हुआ था। और विनेश फोगाट के खिलाफ जिस तरह से अभी संतोष बैरागी को टिकट मिला है तो जनता किस तरह से उनके समर्थन में उतरेगी, ये बड़ा सवाल है। मगर सवाल महत्वपूर्ण ये है कि संतोष बैरागी को टिकट दिया गया मगर सात लोगों का टिकट काट दिया गया। 88 विधानसभा सीटों के लिए जिस तरह से ऐलान किए गए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किस तरह से इस पूरे चुनाव में बैक करेगी वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले समझिए कि दो मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने दूसरी सूची में जगह दी है। पूरे विधानसभा चुनाव चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या राजस्थान हो, इन तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं है, राज्यसभा में कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं है, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, किसी जगह पर कोई भी MLA इलेक्टेड जो है भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उतारे थे।
और आपको बता दें कि दो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, जिसका नाम है नसीम अहमद फिरोजपुर झिरका से और एजाज खान को पुनहाना से टिकट दिया गया। मगर जिन सात लोगों का टिकट कटा है उसमें दो मंत्री जी हैं, मोहनलाल बड़ोलिया जी हैं, संतोष जी हैं, तो उस पर आपको तस्करा करते हैं और बताते हैं कि क्या हुआ है। आपको मालूम होगा कि नायाब सिंह सैनी के सरकार में एकमात्र महिला स्कूल शिक्षा मंत्री थी, जिनका नाम था सीमा तिरखा जी। सीमा तिरखा जी नायाब सिंह सैनी के सरकार में एकमात्र महिला स्कूल शिक्षा मंत्री थी। जैसे जो है कल टिकट का अनाउंस होता है, 21 उम्मीदवारों की नई सूची तैयार होती है, तो उसमें सीमा जी का जो है नाम गायब रहता है और उनको पार्टी टिकट नहीं देती है। और सीमा जी की जगह पर जो है धनेश अदलाखा को टिकट दिया है, जो भटकल विधानसभा से इस मर्तबा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। और ये स्पष्ट हो चुका है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सीमा तिरखा जी का टिकट काटा है, तो शायद विधानसभा चुनाव के बाद अगर किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने में सक्षम हो जाती है तो शायद किसी भी महिला को मंत्रालय के पद में नहीं रखा जाएगा, किसी को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। आपको बता दें कि सीमा तिरखा जी जो है स्कूल शिक्षा मंत्री थी और वो जो है भटकल विधानसभा क्षेत्र से आती थी। उसके बाद आते हैं कि हेल्थ मंत्री बनवारी लाल का भी टिकट कटा है और बनवारी लाल की जगह पर कृष्ण कुमार को उतारा गया है। नायाब सिंह सैनी सरकार में लंबे समय तक विधायक रहने वाले और लंबे समय तक हेल्थ मंत्रालय के कुर्सी पर बैठने वाले बनवारी लाल का टिकट कटा है और उनकी जगह पर कृष्ण कुमार को टिकट देकर विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि मोहनलाल बड़ोलिया का टिकट कट गया। मोहनलाल बड़ोलिया भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा यूनिट के अध्यक्ष थे, उनका टिकट कट गया। वो राय विधानसभा क्षेत्र से, जो हरियाणा का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से लगातार जीते आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा यूनिट के में सबसे बड़े नेता थे और कहा जाता था कि मनोहर लाल खट्टर के बाद वो ऐसे नेता थे जिस पर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। मगर सबसे ज्यादा भरोसा करने वाले विधायक का भी टिकट कट गया, यानी कि जिस अध्यक्ष के पास लोग टिकट लेने आते थे उसी अध्यक्ष जी का टिकट काट के भारतीय जनता पार्टी ने उनको साइडलाइन लगा दिया है। आपको अगर आश्चर्य हो रहा होगा कि मोहनलाल बड़ोलिया का टिकट कटा, तो आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट ये भी दे देते हैं कि मोहनलाल बड़ोलिया के साथ साथ हरियाणा यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट और भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर डिप्टी स्पीकर संतोष यादव जी ने पार्टी पद से रिजाइन दे दिया है। संतोष यादव जी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा यूनिट के दिग्गज थे, उन्होंने अपने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। शायद उनको भी टिकट नहीं दिया गया। पूर्व में वो जो है डिप्टी स्पीकर थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, अभी फिलहाल जब उन्होंने रिजाइन दिया था भारतीय जनता पार्टी हरियाणा यूनिट के, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में इतनी कमजोर पड़ गई है, इतनी कमजोर कड़ी में आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार तो दूर की बात है, वो अपने विधायक को किस तरह से अपने साथ लाएंगे, मनाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मगर जिस तरह से संतोष बैरागी जी को टिकट दिया गया है विनेश फोगाट के खिलाफ, तो संतोष बैरागी कितनी सेवा कर पाएंगे, कितना वोट ले पाएंगे, अपनी जमानत बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। वैसे 2019 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो वहां पर कांग्रेस के भी कैंडिडेट उतरे थे, बीजेपी के भी कैंडिडेट उतरे थे, मगर जेजेपी के कैंडिडेट अमरजीत ढांडा ने ही 2019 का विधानसभा चुनाव जीता था और 2024 में जेजेपी ने उसी अमरजीत ढांडा को ही मतलब जुलाना विधानसभा सीट से इलेक्शन लड़ाया। आपको बता दें कि जुलाना विधानसभा सीट जो है वो विनेश फोगाट का ससुराली इलाका है, ससुराल है वहां पर, तो देखना है कि विनेश फोगाट जो ओलंपिक मेडलिस्ट है, कांग्रेस की प्रत्याशी है, उनको अपने ससुराल में कितना सम्मान मिलता है, कितना टिकट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी कैंडिडेट नहीं था और इसीलिए जो है संतोष बैरागी पूर्व सांसद पूर्व जो है आर्मी मैन को टिकट दिया गया है। देखते हैं कि जनता किस तरह से देखती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर टूट मची हुई है, लोग खुद को भारतीय जनता पार्टी से काट कर किसी और जगह पर जा रहे हैं, किसी ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, जो कुछ लोग खामोश बैठे हुए। रजा अंसारी की रिपोर्ट देश नीति के लिए।